चुनाव का मौसम आने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। नेता अपने दावों और वादों की पोटली लेकर आने लगे हैं, लेकिन इन दावों का सच क्या है इसकी पड़ताल जरूरी है। लिहाजा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम जनता को विकास के दावों की सही तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की, और अब आपको यूपी के तमाम जिलों से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गोंडा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ घाघरा नदी बरसात में जमकर कहर बरपाती है। नदी हर बार सैकड़ों एकड़ जमीन को बर्बाद कर देती है, और नदी के इसी फैलाव को रोकने के लिए घाघरा नदी पर एल्गिन चरसड़ी तटबंध बना दिया गया था। सरकार का दावा था कि इस बांध से 175 गाँव के लाखों लोगों की सुरक्षा होगी और लाखों हेक्टेयर फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा, लेकिन दावे खोखले साबित हुए। पैसा कम रहे तो 2-3 दिन में हम खत्म करवा दें वापस। जो कोई आवाज अधिकारी पैसा कमाता है अपन निकल जाते, तो इसे गांव गांव रहा चाहे बूढ़ जाए चाहे धोसे जाए उसमें कोई जरूरत नहीं। अब अपने अपने कर्तव्य में लगे हैं, पैसा कमाते हैं जाके यहाँ पैसा कमाए नहीं होटल घर बनवाए, बरखा भर जनता रहा चाहे बूढ़ जाए उसमें नहीं कोई मतलब। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हाल है। यहाँ पर लाखों लोगों की सुरक्षा के दावे किए गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। नदी के इस फैलाव को रोकने के लिए घाघरा नदी में एल्गिन चरसड़ी तटबंध बना दिया गया था। सरकार का ये दावा था कि इस बांध से 175 गांव के लाखों लोगों की सुरक्षा भी होगी और लाखों हेक्टेयर जो फसल बर्बाद हो जाती है उसे भी बचाया जा सकेगा, लेकिन दावे दावे ही रहे जो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नेता हैं वो अपने विकास की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें, वहां पर जाके देखें, तो पता चलेगा कि वो दावे सिर्फ दावे ही दिखाई दे रहे हैं। अंबिकेश्वर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंबिकेश्वर, क्या वहां पर जमीनी हकीकत है, जो दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई वो पूरे हुए हैं? जी दीपाली, अगर बात करें दावों की तो दावों में कागजों में रैन बसेरा भी चल रहा है और सैकड़ों कुंटल अब तक अलाव के रूप में लकड़ियां भी जल चुकी हैं। कल जो जिला प्रशासन द्वारा लिस्ट मुहैया कराई गई थी कि जिन जिन चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, उनमें से कई चौराहों पर जब देखा गया तो कहीं भी अलाव नहीं जलता हुआ पाया गया। लोगों से भी बात की गई तो पता चला वहां पर अभी तक कभी भी अलाव जला ही नहीं, रैन बसेरे भी अभी तक बने ही नहीं है। लोगों को खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारनी पड़ रही है, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे महिला अस्पताल हो और चाहे वो रेलवे स्टेशन। बिल्कुल, शुक्रिया अंबिकेश्वर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करते हैं कन्नौज जिले की, और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग और मंडी समिति में भ्रष्टाचार के कुछ मामले देखने को मिले थे। मंडी समिति से जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना अंतर्गत गांव में हुए विकास को लेकर ग्रामीणों ने धांधली के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के अधिकारी ठेकेदार मिलकर गांव में बनने वाली सड़कों में गुणवत्ता से खिलवाड़ करते हैं, और वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग में करोड़ों की लागत बनाई गई सड़कें कुछ ही महीने में जर्जर हो गई। इन जर्जर सड़कों के बारे में जब हमने जो विभाग है उससे जाकर संपर्क करना चाहा तो वहां पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। ठेकेदार ने 1 इंची वो पॉलिथीन डाल के उस पर 1 इंची मसाला डाल दिया, कुल वो भी उखड़ने लगा है। गलियां देख रहे हैं, गलियां कैसी बनी है? गलियां तो ऐसी बने जो हाथ से भी उछेल दो, पावड़ा की तो बात अलग है, वो सब उधरने लगा है अभी। नाली वाली कुछ नाली तो एक भी नहीं बनी हुई है। क्या स्थिति चल रहा है? इसमें पानी दोनों पार, पहले खड़ंजे पे तो नहीं भरता था, लेकिन जब से ये बन गया है रोड तब से पानी काफी भरा हुआ है, निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। नित्य मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नित्य, बहुत दावे किए जाते हैं, बताया जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ये हकीकत है, और जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण उसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कहीं ना कहीं विकास के नाम पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे भ्रष्टाचार भी यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से योजनाएं यहाँ पर कन्नौज में लागू करी गई, उसके बाद उन योजनाओं को लागू करने में जो गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है, तो उसमें साफ साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कि जो सड़कें बनाई गई है, ये एक तो सड़क ऐसी है जो करोड़ों की लागत से बनी थी,
जो महज 3 महीने भी नहीं गुजरा वो जर्जर हो गई बिल्कुल। वहां पर ग्रामीणों ने शिकायत भी करी, उसके बाद जब इंडिया 24/7 चैनल ने खबर चलाई तो उसको कुछ कार्रवाई भी हुई थी। तो कुल मिला के विकास तो बहुत हुआ है कन्नौज में, लेकिन विकास के बाद साथ साथ भ्रष्टाचार भी जबरदस्त हुआ है। जो भी निर्माण कार्य हुए उनको उनके साथ गुणवत्ता से पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ है और उसी में कमीशनखोरी भी चली है। तो जब अधिकारियों से ये सब भ्रष्टाचार के बारे में जानने की कोशिश करी तो वो साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। उनका साफ कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है, ये जाके आप आला अधिकारियों से पूछे। तो कह सकते हैं कि विकास तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी जमकर हुआ है। जी शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विकास तो हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुणवत्ता की कमी है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी हुआ है।